तो आज हम लोग एशिया की एक लगभग सबसे बड़ी पुलिस हेडक्वार्टर बिल्डिंग के सामने खड़े हैं। इसको एक 7-स्टार सिग्नेचर बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पे लगभग 18 डिपार्टमेंट्स पुलिस के और भी विभागों के यहाँ पे बैठेंगे और सबके हेड बैठेंगे। और यहाँ पे निरीक्षण भी हो चुका है, यहाँ पे बड़े बड़े अधिकारी अभी आने वाले होंगे और जैसे आप देख सकते हैं मैं आपको दिखा दूँगा आगे वीडियो में। ये लगभग 40,178 वर्ग मीटर में बना है जिसमें 4 टावर बने हैं। किसी भी बड़े आयोजन के लिए 500 सीटर का ऑडिटोरियम भी है। ग्राउंड फ्लोर पर उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास को दिखाने वाला म्यूज़ियम भी बनाया गया है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा कैफेटेरिया भी है जिसमें लगभग 350 पुलिस कर्मियों के लिए ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करने का भी इंतजाम है। बिजली की बचत के लिए सभी फ्लोरों पर और इमारतों में ग्लास यूनिट का इस्तेमाल किया गया है ताकि दिन में खूब रोशनी रहे। इस नए मुख्यालय में कहा जाता है कि 18 लिफ्ट लगाई गई हैं। ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है एक बिल्डिंग के लिए, लेकिन बिल्डिंग भी बहुत बड़ी है। बिल्डिंग की सुरक्षा के लिए 150 CCTV कैमरे लगे हैं और 10 मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। एक जो स्ट्रक्चर है इसका, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़े लेवल का, ग्रैंड लेवल का बनी थी। बड़े 3-4 साल 5 साल पहले से शुरुआत हुई थी इसकी, लेकिन अभी क्योंकि कम्प्लीट हो गया है तो ये अपने आप में ही एक, इसका स्ट्रक्चर अगर ऊपर से तो अभी मैं दिखा नहीं पाऊँगा, फोटो दिखा दूँगा। इस पर हेलीपैड भी है और ऊपर ग्रीनरी भी है और DGP साहब बैठेंगे ना यहाँ पे, तो उनके लिए पूरा लॉन ऑन की व्यवस्था है उनके ऑफिस से जस्ट सामने। तो और 816 करोड़ की लागत के आसपास में ये बिल्डिंग बनी है और ये कैंपस बहुत बड़ा है। अभी अंदर जाने की परमिशन हम लोग को नहीं है, लेकिन जितना दिखा पा रहे बाहर से दिखा पा रहे।